बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द फ्लाई। इस कहानी की शुरुआत में हमें इवेंट को दिखाया जाता है जिसे बार्टोक साइंट इंडस्ट्री ने किया होता है, और यहीं पर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है जिसका नाम सेथ है। सेथ यहाँ पर वेरोनिका से मिलता है जो कि एक साइंस जर्नलिस्ट है। वो वेरोनिका से कहता है कि मैं तुम्हें अपने नए एक्सपेरिमेंट को दिखाना चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर के वेयरहाउस में चलना होगा। वेरोनिका साफ साफ मना कर देती है, पर जब सेथ बार बार उसे इंसिस्ट करता है तो वो मान जाती है। और अभी दोनों के दोनों उस इवेंट को छोड़कर सेथ के घर के वेयरहाउस में चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि उसने कमरे के अंदर दो बड़े बड़े टूम्स लगा रखे हैं। वेरोनिका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, और अब सेथ उसे बताता है कि ये टेलीपोर्टिंग मशीन है, यानी अगर तुम एक टूम्ब के अंदर कुछ डालोगी तो वो दूसरी जगह आ जाएगा। यहाँ पर उसने कंप्यूटर भी बनाया होता है जिसकी मदद से वो चीजों को टेलीपोर्ट कर सकता है, यानी कि एक टूम्ब के अंदर से दूसरे टूम्ब तक ले जा सकता है। और ये जो कंप्यूटर होता है वो सेथ की आवाज से चलता है, पर वेरोनिका को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। और अब वेरोनिका को विश्वास दिलाने के लिए वो उसके हाथ में बंधे हुए कपड़े को मांगता है, जिसके बाद वो कपड़े को एक टूम्ब के अंदर रखता है, और जैसे ही मशीन को स्टार्ट करता है तो वो कपड़ा वहां से गायब होकर दूसरे टूम्ब के अंदर आ जाता है। ये देखकर वेरोनिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आविष्कार है। और अब वो सेथ का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। सेथ उसे बहुत सारी बातें बताता है, जिन सब बातों को वो रिकॉर्ड कर लेती है। और जब सेथ को पता चलता है कि उसने उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, तो सेथ कहता है कि अभी इसे दुनिया के सामने मत लाना, लेकिन वेरोनिका उसकी बात नहीं मानती और टेप लेकर वहां से निकल जाती है। अगले दिन वो अपने बॉस को पूरे टेप के बारे में और साथ ही सेथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है, पर उसका बॉस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वहां से जाने लगता है। अब सेथ भी यहाँ पर आ जाता है। वो वेरोनिका से कहता है क्यों ना हम लंच पर चलें। ये दोनों के दोनों लंच पर जाते हैं, जहां पर सेथ वेरोनिका को बताता है कि मैंने आज तक किसी भी लिविंग चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया, मेरा एक्सपेरिमेंट अभी पूरा नहीं हुआ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहता हूं, पर इसके लिए मुझे किसी लिविंग चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्सपेरिमेंट के पूरा होने से पहले किसी को भी मेरे एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चले, अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि मेरी जान को भी खतरा हो, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ इस काम में मेरा साथ दो, मैं जो भी एक्सपेरिमेंट्स करूं तुम उसे डॉक्यूमेंट करो, और जब मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाए तो उसके ऊपर पूरी एक मैगजीन लिखो। वेरोनिका उसकी बात मान जाती है और एक बार फिर से वो उसके साथ उसकी लैब में जाती है, जहां पर वो इस बार एक चिंपैंजी को ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी कर रहा होता है, और वेरोनिका इस पूरी चीज को शूट करना शुरू कर देती है ताकि इनके पास रिकॉर्ड्स रहें। और जब सेथ ऐसा करता है, चिंपैंजी तो ट्रांसपोर्ट हो जाता है लेकिन वो बच नहीं पाता, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से फेल हो गया है। इस बात से सेथ को बहुत दुख होता है, रात को परेशान होकर अपने बेड पर लेटा होता है। उसे वेरोनिका समझाने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कई दिनों से एक दूसरे के साथ काम करते करते ये एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। यहाँ पर सेथ को एक आइडिया आता है और वो उठकर एक बार फिर से अपनी टेलीपोर्टिंग मशीन के पास जाता है, और इस बार वो रेड मीट के टुकड़े को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली टेलीपोर्ट हो जाता है, और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है। अब उसे समझ में आ चुका है कि उसे क्या करना है। एक बार फिर से वो अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज करता है और किसी भी चीज को टेलीपोर्ट करने से पहले कंप्यूटर उस चीज को स्कैन कर ले और उसके बाद टेलीपोर्ट करे। अब वो अपने बबून को टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर डालता है, कंप्यूटर बबून को स्कैन करता है, और जब वो कंप्यूटर को कमांड देता है तो सक्सेसफुली बबून एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, यानी कि उसका एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। इस बात से दोनों के दोनों बहुत खुश होते हैं, पर अब वेरोनिका को पता चलता है कि उसके बॉस ने सेथ की पूरी स्टोरी को मैगजीन में छाप दिया है। वो उस मैगजीन को लेकर अपने बॉस के पास जाती है। दरअसल उसके बॉस को पहले भी इस एक्सपेरिमेंट पर सेथ पर विश्वास था, लेकिन उसने जानबूझकर उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसका और वेरोनिका का कभी कोई अतीत था और वो नहीं चाहता था कि सेथ के साथ वो टाइम बिताए, इसीलिए जानबूझकर उसने उसकी स्टोरी को उस वक्त पब्लिश नहीं किया था, पर अब उसने उसकी स्टोरी को चुराकर अपने नाम से पब्लिश कर दिया। वहीं सेथ को पता चल जाता है कि वेरोनिका और उसके बॉस का एक अतीत था। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो वेरोनिका से प्यार करता है, वो बहुत सारी शराब पी लेता है और तय करता है कि वो अब अपने आप को टेलीपोर्ट करेगा। वो कपड़े उतार कर टेलीपोर्ट मशीन के अंदर बैठ जाता है,
लेकिन उसे पता नहीं चलता कि एक मक्खी भी उसके साथ अंदर आ चुकी है। उस देर बाद जब वेरोनिका वहां पर आती है तो सेथ को देखती है। सेथ उससे उसके और उसके बॉस के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो कॉलेज में मेरा लेक्चरर था जिसे मैं कभी पसंद किया करती थी, लेकिन अब हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। इससे सेथ को काफी अच्छा लगता है। और जब रात को ये दोनों के दोनों सो रहे होते हैं, तभी सेथ के चारों तरफ एक मक्खी मंडराना शुरू कर देती है और सेथ उसे अपने दिमाग से कंट्रोल करके पकड़ लेता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सेथ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले से वो ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और जब वो वेरोनिका के साथ रेस्टोरेंट में जाता है तो पहले से ज्यादा शुगर खाना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ नॉर्मल है। अब ये दोनों के दोनों घर आ जाते हैं और तभी वेरोनिका देखती है कि उसके शरीर में उस जगह पर जहां पर एक चोट लगी थी वहां पर अजीब तरह से बाल आना शुरू हो गए हैं। वो सेथ को बताती है लेकिन सेथ इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वेरोनिका उसके उन बालों को काट देती है। सेथ को पूरा यकीन है कि टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर जाने के बाद उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, इसीलिए वो वेरोनिका को कहता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए, लेकिन वेरोनिका साफ साफ मना कर देती है। सेथ नाराज होकर वहां से एक बार में जाता है और एक लड़की को अपने साथ वापस ले आता है। वो उसके साथ इंटीमेट भी होता है। साथ ही उस लड़की को वो टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर जाने के लिए मनाने लगता है, लेकिन वो लड़की मना कर रही होती है और तभी वहां पर वेरोनिका आ जाती है। वेरोनिका को देखकर सेथ उस लड़की को छोड़ देता है। वो लड़की वहां से चली जाती है और अब वेरोनिका सेथ को बताती है कि तुम्हारे शरीर से जो मैंने बाल काटे थे, मैंने उन्हें लैब में टेस्ट करवाया जिससे पता चला कि वो किसी इंसान के बाल नहीं है बल्कि वो किसी इंसेक्ट के बाल हैं। सेथ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मेरे अंदर नई पावर्स आई हैं, इसीलिए तुम मुझसे जेलस हो। ये सुनने के बाद वेरोनिका नाराज होकर वहां से चली जाती है। वेरोनिका के जाने के बाद सेथ देखता है कि उसकी बॉडी में अजीब अजीब से चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि उसके शरीर में बाल उगना शुरू हो जाते हैं। साथ ही उसके नेल्स अपने आप ही टूट रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि उसके डीएनए में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, इसीलिए वो उस दिन की रिपोर्ट्स को चेक करता है जिस दिन वो टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर गया था। और अब उसे पता चलता है कि जब वो टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर गया था तो उसके साथ एक मक्खी भी अंदर चली गई थी, जिस वजह से कंप्यूटर ने उसके डीएनए को और मक्खी के डीएनए को मर्ज कर दिया था। और अब उसकी बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मक्खी के डीएनए के मिक्स होने की वजह से हो रहे हैं। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन वो वेरोनिका को कॉल करता है। वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। वेरोनिका उससे मिलने के लिए जाती है और जब वो सेथ को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसका चेहरा गल रहा होता है। दरअसल अब वो मक्खी की तरह दिखने लगा है। वो वेरोनिका को सब कुछ बता देता है कि कैसे कंप्यूटर ने उसके डीएनए को और मक्खी के डीएनए को मर्ज कर दिया, जिस वजह से उसके अंदर अब मक्खी के गुण भी आने लगे हैं। वेरोनिका उसकी मदद करना चाहती है, इसीलिए वो अपने बॉस के पास जाती है और उसे सेथ के बारे में सब कुछ बताती है। हालांकि वो सेथ की मदद नहीं करना चाहता, लेकिन वो वेरोनिका को पाना चाहता है, इसीलिए वो कह देता है कि मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन वो उसे देखने के लिए उसकी लैब में नहीं जाना चाहता। वेरोनिका एक बार फिर से सेथ के पास आती है। वो देखती है कि वो किसी मक्खी की तरह दीवार के ऊपर चल रहा है। वो छत पर आराम से चल सकता है। वेरोनिका उसका वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बॉस के पास ले जाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। वहीं हमें सेथ को दिखाया जाता है जो अब भी रिसर्च कर रहा होता है ताकि एक बार फिर से वो आम इंसान बन सके। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर वो किसी हेल्दी इंसान के साथ टेलीपोर्ट हो तो हो सकता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब एक बार फिर से वेरोनिका उसके पास आती है। वो देखती है कि सेथ की हालत पहले से भी ज्यादा खराब है। वो पूरी तरह से एक मक्खी की तरह दिख रहा होता है। वेरोनिका वहां से चली जाती है। दरअसल वो उसे ये बताने के लिए आई होती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वेरोनिका प्रेग्नेंट है। वेरोनिका जब बाहर जाती है तो उसका बॉस पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। वेरोनिका उसे कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, मुझे लगता है कि ये आम बच्चा पैदा नहीं हो सकता, मुझे अबॉर्शन करवाना होगा। और वो उसके साथ हॉस्पिटल चली जाती है। वहीं सेथ को दिखाया जाता है जो अपनी सुनने की तेज शक्ति के कारण उसकी पूरी बातें सुन लेता है और वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर वेरोनिका होती है। वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आए। ये कहते कहते वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वेरोनिका भी इमोशनल होती है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो कोई इंसेक्ट है क्योंकि उसने ऐसा सपने में देखा था। वहीं वेरोनिका के बॉस को दिखाया जाता है जो सेथ को मारने के लिए उसकी लैब में आ जाता है। उसके पास
धड़कन होती है, पर तभी सेत ऊपर से कूद कर उस पर हमला कर देता, उसे जख्मी कर देता है। और इससे पहले कि वो वेरोनिका के बॉस को मारता, वेरोनिका यहाँ पर आ जाती है और उस सेत को रोक लेती है। सेत वेरोनिका को बताता है कि वो ठीक हो सकता है अगर वो किसी हेल्दी इंसान के साथ टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर जाए। वो वेरोनिका को ऐसा करने के लिए कहता है, लेकिन वेरोनिका साफ साफ मना कर देती क्योंकि वो जानती है कि शायद ऐसा कुछ भी ना हो और वो भी एक इंसेक्ट में बदल जाए। सेत उसे अब जबरदस्ती मशीन के अंदर डालना चाहता है, सेत का चेहरा पकड़ लेती है। सेत का चेहरा और उसका शरीर अब गलने लगा है और गलते गलते वो पूरी तरह से एक फ्लाई में यानी कि मक्खी में बदल जाता है, जिसके बाद वो वेरोनिका को टेलीपोर्टिंग मशीन के अंदर डाल देता है और खुद वो दूसरे चेंबर के अंदर जाकर मशीन को ऑन कर देता है। पर इससे पहले कि ये दोनों के दोनों टेलीपोर्ट होते, वेरोनिका का बॉस जो बुरी तरह से जख्मी होता है, जिसके पास गन है, वो टेलीपोर्टिंग मशीन की केबल को शूट कर देता है, जिससे वेरोनिका की मशीन बंद हो जाती है। लेकिन अब भी सेत की मशीन ऑन होती है और एक बार फिर से वो टेलीपोर्ट होकर अपनी मशीन से बाहर निकलता है। और अब वो बुरी तरह से घायल हो चुका है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। वो रेंगते हुए वेरोनिका के पास जाता है और उससे इशारों में रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार दे, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसकी जिंदगी का खेल खत्म हो चुका है। हालांकि वेरोनिका उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो जानती है कि अगर वो सेत को मारेगी तो ये उसकी मुक्ति होगी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो सेत को मार देती है। और इस तरह से सेत का अंत हो जाता है। इस कहानी का सेकंड पार्ट भी है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।